क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि देश की राजधानी में सिविल सर्विस की तैयारी करवाने वाले एक नामी कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में बारिश और सीवर का पानी भर जाए, जिससे 3 छात्रों की मौत हो जाए। यह दर्दनाक हादसा दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में हुआ। आखिर कैसे हुआ हादसा, क्या रही खामियां और कौन है इसके लिए जिम्मेदार, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। शनिवार शाम सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले राव कोचिंग सर्किल के बेसमेंट में अचानक जैसे पानी का सैलाब आ गया। करीब 10 फीट गहरे इस बेसमेंट में जैसे ही करीब के सीवर का पानी घुसा, अंदर बैठे करीब 30 छात्रों में चीख पुकार मच गई। ये सभी बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, जिसमें 150 छात्रों के बैठने की क्षमता है। पानी घुसने के साथ ही बेसमेंट की बिजली गुल हो गई। अंदर अंधेरा और ऊपर से तेजी से भर रहे पानी की वजह से छात्र बदहवास बाहर निकलने के लिए भागने लगे। कुछ छात्र बाहर निकल भी आए, लेकिन 10 मिनट में ही बारिश और सीवर का पानी पूरे बेसमेंट में भर गया। एक छात्र और 2 छात्राएं बाहर नहीं निकल पाए। चश्मदीद छात्रों ने बताया कि ये इंस्टीट्यूट ढलान पर है, इसलिए बारिश के बाद गंदे सीवर का पानी तेजी से अंदर घुस गया। पहला तो मेन वजह है कि इन लोग बेसमेंट में लाइब्रेरी रखे, और यहाँ पे वाटर का क्लॉगिंग बहुत होता है। कल क्या हुआ कि वाटर लॉगिंग हुआ, उसके बाद जो है वहाँ पे सीवर फट गया, जिसके बाद इतनी भयानक घटना हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि 3 लोग मरे हैं, लेकिन मैं अपने इधर बहुत सारे दोस्तों से पूछ रहा हूँ, उनका एस्टिमेट है कि यार अंदर कम से कम 40 लोग थे जो ऑप्शनल पेपर का रिटर्न टेस्ट दे रहे थे, तो उसमें ज्यादा लोग का मिस डैमेज होने का संभावना। MCD उस पर ध्यान भी नहीं दे रही है, और कोचिंग के डायरेक्टर, कल ये इंसिडेंट हुआ है, एकदम ग्रूसम इंसिडेंट है। आज उनकी नॉर्थ कैंपस में क्लासेस लग रही हैं, अभी तक आए नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है उनका, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि 2-3 दिन चलेगा, फिर अपना जो चल रहा है रेगुलर वो चलेगा। कहाँ पे गायब है वो, क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे, स्टूडेंट्स के बीच में क्यों नहीं आ रहे? सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो नए बने हैं, पुराने बने हैं, और इवन ही कुछ कोचिंग सेंटर है, 800 बच्चे बेसमेंट में बैठाते हैं, एक बैच में 800 बच्चे कैसे निकलते हैं? एक एग्जिट डोर हर एक जगह पे, हर एक कोचिंग सेंटर में जाइए, हर एक जगह पे एक ही एग्जिट डोर है। कोई इमरजेंसी गेट नहीं होता है, कोई सेफ्टी नहीं होता है। जो ड्रेनेज सिस्टम है, पूरी पानी कलेक्ट हो जाती है, चारों तरफ के एरिया के पानी आके स्टोर हो जाते हैं, उनकी वजह से ये दुर्घटना हुई। और एक चीज़ और, एक मुद्दे के बारे में बोलूँगा, मैं भी पटेल नगर में रहता हूँ, तो वहाँ पे भी यही सेम सिस्टम है, कहीं ना आज ना कल होके दुर्घटना वहाँ पे भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जितने लाइब्रेरी सब अंडरग्राउंड ही हैं। तो अगर गवर्नमेंट इस बात को सुन रही है, तो क्या इसके बारे में थोड़ा सा विचार करें। शाम करीब 7 बजे पुलिस और दमकल विभाग को घटना की जानकारी मिली, तुरंत ही NDRF को भी मौके पर बुलाया गया। NDRF की टीम सीवर के गंदे पानी में उतरी। करीब 8 घंटे तक बचाव अभियान चलता रहा। अंदर फंसी 2 छात्राओं और 1 छात्र का शव निकाल लिया गया। पहले 4 गाड़ी भेजी थी, फिर 1 गाड़ी बाद में और भेजी गई, टोटल 5 गाड़ी हमने वहाँ भेजी थी। जब हम लोग गए तो पूरा बेसमेंट पानी से भरा था, और आप ये मानिए कि सड़क और बेसमेंट का लेवल पानी की वजह से एक ही हो चुका था, मतलब जितना पानी बेसमेंट भर के बाहर आके सड़क के बराबर हो गया था। इसीलिए शुरू में दिक्कत भी आई, क्योंकि ना तो हम अंदर घुस पा रहे थे और ना ही हम उस पानी को बाहर निकाल पा रहे थे, क्योंकि जो पानी हम पंप आउट बाहर करते थे तो वो पानी वापस चला जाता था, क्योंकि सड़क का लेवल ऊपर था और सड़क में पानी भरा था। जैसे जैसे पानी धीरे धीरे कम हुआ, उसके बाद हमने बेसमेंट का पानी निकाला और फिर जो है बच्चों को रेस्क्यू किया गया, अनफॉर्चुनेटली हम बच्चों को बचा नहीं पाए। सूत्रों के मुताबिक इस कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में बायोमेट्रिक गेट लगा हुआ है, जो या तो कोड से खुलता है या फिर फिंगरप्रिंट से। जब बेसमेंट में पानी भरा तो उस वक्त इस बिल्डिंग की लाइट चली गई, जिससे कि बायोमेट्रिक गेट बंद हो गया। उसके बाद कई छात्र बाहर समय से नहीं निकल पाए। जब पानी का बहाव तेज हुआ तो गेट अपने आप टूट गया, और उसके बाद कई छात्र बाहर आ पाए। 1953 से चल रहा ये कोचिंग सेंटर इस इलाके का सबसे पुराना कोचिंग सेंटर है। 4 मंजिला इस कोचिंग सेंटर में 2 बेसमेंट 2 तल में है। एक में गाड़ियां पार्क होती हैं, जबकि दूसरे तल पर लाइब्रेरी है। सिविल सर्विस की तैयारी के नाम पर इस कोचिंग में छात्रों से करीब 2.25 लाख रुपए वसूले जा रहे थे। इसके बाद उनको अवैध लाइब्रेरी में बिठाया जा रहा था। अब हम आपको दिल्ली फायर डिपार्टमेंट और MCD की वो NOC दिखाते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि किस तरह से इस कोचिंग सेंटर में अवैध गतिविधियाँ चल रही थी, जो जानलेवा साबित हुई। कोचिंग सेंटर ने दमकल विभाग से इसी महीने
9 जुलाई को जो एनओसी लिया उसमें साफ लिखा है बेसमेंट बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से ही रहेगा। कोचिंग सेंटर की तरफ से कहा गया कि बेसमेंट सिर्फ स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होगा। एनसीडी की एनओसी में भी यही बात कही गई, लेकिन फिर भी यहां अवैध तरीके से लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। एनसीडी की कोई कार्रवाई तो अलग, संस्थान हर छात्र से लाइब्रेरी के पैसे अलग से वसूल रहा था। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाने को लेकर एनसीडी में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। ये कॉपी उसी शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हादसे के बाद अब एनसीडी सख्त कार्रवाई की बात कर रहा है। कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई, राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया और कुछ बच्चे ट्रैप हो गए। जैसे ही मुझे इस घटनाक्रम का पता लगा, मैं मौके पर पहुंची, वहां पर देखा कि एनडीआरएफ की टीम जो है ऑलरेडी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी। और ये सबसे दुख की बात है कि 3 बच्चों की मौत हो गई। और अब जैसे ही इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्ट्रिक्शन में आते हैं, और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ, कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। इस कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले कई छात्रों ने एनडीटीवी से बात की। उन्होंने बताया कि इस इलाके में कई कोचिंग सेंटर हैं जो छात्रों से लाखों की फीस वसूलते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता। हर कोचिंग सेंटर में एक बेसमेंट है, यहाँ जहाँ लाइब्रेरी के अलावा क्लास भी चलाई जाती है, जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे बिठाए जाते हैं। आपात स्थिति में निकलने के लिए कहीं कोई रास्ता नहीं होता। हमने भी अपनी पड़ताल में आसपास चल रहे कई कोचिंग सेंटरों में ऐसे बेसमेंट देखे जहां नियमों को ताक पर रखकर व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं। पुलिस ने इस हादसे में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में इजाजत देने से जुड़े सरकारी संस्थानों के जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये FIR राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है अंडर सेक्शन 105, 1061, 115(2), 290 एंड 35 BNS।